मेरी एज 68 इयर्स है। मुझे पिछले काफ़ी लंबे पीरियड से लोअर बैक का इशू चल रहा था और ये पेन इतनी ज़्यादा सीवियर थी कि मुझे लगता था कि मैं तो इस पेन से बेटर है कि मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तो समहाउ मैं डॉक्टर हमदा से कल आके मणिपाल हॉस्पिटल में मिली और मैंने सारा कुछ अपना डिस्कस किया और उन्होंने मेरा सारा ये उसकी MRI की देखते हुए मेरे को काइफोप्लास्टी सजेस्ट करी, उसके बारे में बताया। और फॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम था, सुबह हम आए थे तो उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करके और मुझे ये देख के कि मैं इतनी ज़्यादा पेन में हूँ, ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए, तो यस्टरडे इवनिंग ही उन्होंने मेरी काइफोप्लास्टी कर दी। और काइफोप्लास्टी के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे लिए ये एक मिरेकल से कम नहीं थी। मैं आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम थोड़ी देर में डिस्चार्ज होके घर जा रहे हैं, मैं मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जो कल थी, मैं जिस पेन में आई थी, माई पेन इज कम्प्लीटली गॉन। आई एम सो इंडेटेड टू हिम एंड ऑल द हॉस्पिटल स्टाफ कि मुझे ये लग रहा है कि ये मेरे साथ हुआ कैसे कि कल तक मुझे लग रहा था कि मैं जीना ही नहीं चाहती, मुझे इतनी ज़्यादा पेन है। और डॉक्टर हमजा ने मुझे बार बार पूछा कि आपको आप क्या कैसा फील कर रहे हो, तो मैंने उनको सिर्फ यही जवाब दिया कि मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मुझे कभी पेन हुई है। मेरे को इस वक्त आई कैन से इट्स 100% ट्रू कि मुझे इस वक्त बिल्कुल भी कोई पेन नहीं है। मैं अभी चल के अपने बेड से उतर के यहाँ तक आई। ये पेशेंट शोभा जी मेरे पास गुड़गांव से आए थे। इनको 3 हफ्ते से बैक पेन था जो कि दवाइयों से रेस्ट से नहीं ठीक हो रहा था। तो ये इससे यहाँ पे आने से पहले 2-3 और हॉस्पिटल्स में गए थे, वहाँ पे भी इनका दर्द का इलाज नहीं हो पाया। मैंने इनके लिए एक MRI का एडवाइस करी, MRI हुई, उसके अंदर D11 का फ्रैक्चर आया। और उस चीज़ के लिए मैंने इनको ऑप्शंस दिए कि बेसिकली ये चीज़ें रेस्ट से और दवाइयों से भी मैनेज हो सकती हैं, बट इनकी MRI में एक फीचर्स ऐसा था कि चांसेस ये थे कि ये ठीक नहीं होंगे। इसके लिए मैंने इनको मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर के बारे में बताया, जिसे हम बैलून काइफोप्लास्टी बोलते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर हम कोई ओपन सर्जरी नहीं करते, एक जस्ट मिनी कट लगा के नीडल के थ्रू सीमेंट डाल देते हैं, जिससे वो फ्रैक्चर हिलता नहीं है, सॉलिड हो जाता है और इमीडिएटली पेन रिलीफ होता है। ऐसे ही कल ये आई थी OPD में, इनको हमने कल शाम को ही एडमिट किया और शाम को ही प्रोसीजर किया, सर्जरी करी, और नेक्स्ट डे शी इज पेन इज टोटली गॉन एंड शी इज एबल टू वॉक इंडिपेंडेंटली, आराम से चल रही है और आज ये अभी डिस्चार्ज भी हो रही है।